मैं अभी वीडियो बना रही हूँ इसलिए फिर मैं बाद में प्रॉपर सारा स्कार्फ उतार के फिर अच्छी तरह पूरे फेस अप्लाई करके गर्मियों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो इसलिए फ़ैन के नीचे ज़रूरी लेटना है, एसी वगैरह चल रहा हो फिर बड़ा मज़े थोड़ी थोड़ी लगी हुई ना वो आपने नेक के ऊपर सारा लगा लेनी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग नाइट क्रीम लेके आई हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जिनके जो फेस का कलर जो है वो है तो फेयर ही लेकिन आपकी स्किन के ऊपर जो डिस्कलरेशन आ गई है या आपके पिगमेंटेशन हो गई है या आपके जो है डार्क स्पॉट्स हैं या पिंपल्स के निशान वगैरह हैं या गर्मी की वजह से टैनिंग हो गई है तो ये क्रीम स्पेशली उनके लिए है। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे, जिस तरह मैं आप लोगों को बताऊंगी उस तरीके से यूज़ करेंगे फिर आप लोगों को इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि एक चीज़ को जब हम प्रॉपर से यूज़ करेंगे तभी हमें उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हम एवी ले के ख़रीद के और एक दो दिन लगाएं और उसके बाद छोड़ दें तो फिर हमें प्रॉपर इसके रिजल्ट तो ना मिलेंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि इस क्रीम को यूज़ किस तरह करना है, कब तक यूज़ करना है और इसकी प्राइस क्या है, प्रॉपर सारा मैं आप लोगों को क्रीम ये मैक्स डिफ वाइटनिंग क्रीम, बहुत ही बेहतरीन क्रीम है ये, इस तरह की पैकिंग में होती है देखें। अच्छा जी, इस क्रीम को मैंने बाय किया था ऑनलाइन, ठीक है, इंस्टाग्राम से मैंने बाय इसको किया था और इसके मैंने प्रॉपर सारे रिव्यूज़ चेक किए थे, इसके बहुत बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ थे तब मैंने इसको बाय किया था। मैंने कहा चलो मैं भी इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे थोड़ी थोड़ी ना यहाँ पे डार्क पैचेस नहीं, जैसे डिस्कलरेशन हो गई स्किन टोन में उस तरह थी। ठीक है, इसकी प्राइस जो है वो है यहाँ पे मेंशन होगी 1298 रुपीज़ की ये मुझे मिली थी। ठीक है, और ये जो है स्किन ब्राइटनिंग नाइट क्रीम है, इसको रात के टाइम यूज़ करना, इस तरह की पैकिंग में ही होती है। ठीक है, और ये कि ये स्किन को ब्राइट करती है, ये हमारी पिगमेंटेशन को रिमूव करती है और ये जो है हमारे डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसको यूज़ करना, किस तरह यूज़ करना है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिए मटर के दाने के बराबर, इसको मैंने ना तकरीबन काफ़ी यूज़ की लेकिन ये ना जब हम इसको लेते हैं परचेज करते हैं तब भी इसकी जो बॉटल होती है वो फुल नहीं होती, थोड़ी सी हाफ ही होती है, तकरीबन इतनी सी होती है। मैंने इसको तकरीबन 25 से 30 दिन, एक महीना हो ही गया इसको यूज़ करते हुए, इतनी क्वांटिटी मिली नहीं मटर के दाने के बराबर। और आपने इसको यूज़ किस तरह करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले फेस को अच्छी तरह क्लीन कर लेना, वॉश करने के बाद आपने हल्का हल्का जब गीला हो जाना 20% हल्का हल्का गीला, फुल आपने इसको ड्राई नहीं करना। ठीक है, फुल ड्राई करेंगे तो फिर आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जिस तरह के मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, आपने हल्का हल्का गीला होगा, एक दफ़ा वॉश कर लिया उसके बाद हल्का सा टैप करके 20% गीला होगा ना, फिर आपने इस तरह डॉट्स की चक्कर में सारे अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना, अप्लाई करने के बाद अच्छी तरह इसको एब्जॉर्ब कर लेना। बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं लेकिन इसको इस तरह जिस तरह मैं बता रही हूँ इस तरह अप्लाई करेंगे फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और रिजल्ट्स फौरन नहीं मिलेंगे, तकरीबन 15 दिन आप लोगों को लग जाएंगे रिजल्ट्स मिलने में और आपकी स्किन जो है वो फेयर भी होगी, क्लीन भी होगी और डार्क स्पॉट्स जो है वो भी रिमूव हो जाएंगे। है थोड़ी सी एक्सपेंसिव लेकिन इसके साइड इफेक्ट कोई नहीं है। ठीक है, इस तरह लगा के उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह पूरे फेस के ऊपर जो है इसकी मसाज करके इसको एब्जॉर्ब कर लेना। ये बिल्कुल इस तरह हो गया, लाइट वेट क्रीम है, इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की है। दूसरी बात ये कि ये ना अच्छी तरह हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और आपने इसको रात के टाइम अप्लाई करना है, दिन के टाइम अप्लाई नहीं करना। अब इसके इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं, इसमें है जी कोजिक एसिड भी पाया जाता है, इसमें हेलोरोनिक एसिड भी है जो हमारी स्किन से एजिंग को रिमूव करता है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प आउट करता है, बहुत ही बेहतरीन। इसको अप्लाई किया आप लोगों ने, इस तरह नहीं करनी, आप लोगों ने अच्छी तरह इसको मसाज करके पूरे फेस के ऊपर इस अब्जॉर्ब कर लेना। मैं अभी वीडियो बना रही हूँ इसलिए फिर मैं बाद में प्रॉपर सारा स्कार्फ उतार के फिर अच्छी तरह पूरे फेस के ऊपर। ठीक है, रात को सोने से पहले आपने अप्लाई करना, सुबह उठ के फेस वॉश करके फिर आपने कोई भी सनब्लॉक इसके फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना, देखिएगा आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आपने रेमेडी भी यूज़ करनी है, स्किन की केयर करेंगे तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, कोई भी क्रीम यूज़ कर लें। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम केयर अपनी स्किन की करते नहीं है, बस क्रीम पे फोकस करते हैं, क्रीम अप्लाई करी जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर रिजल्ट्स नहीं मिले, क्रीम अच्छी नहीं है या क्रीम हमें रिजल्ट्स नहीं दे रही। जब आप प्रॉपर रेमेडी यूज़ करेंगे, स्किन की केयर करेंगे, सनब्लॉक को यूज़ करेंगे प्रॉपर तरीके से और नाइट टाइम आपने फेस को अच्छी तरह क्लीन करके जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया उसी तरह यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है जी, ये थी जी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
इसका अप्लाई करके गर्मी में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए फ़ैन के नीचे ज़रूरी लेटना है, एसी वगैरह चल रहा हो फिर बड़ा मज़े की नींद आती है। देखिए बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गई है हमारी स्किन के अंदर, आइस के ऊपर भी थोड़ा सा लगा लेंगे, और इसी को जो हमारे हाथ थोड़ी थोड़ी लगी हुई ना वो आपने नेक के ऊपर सारे आप लगा लेंगे, ठीक है, ताकि हमारी गर्दन जो है वो भी साफ़ सुथरी हो जाए, इवन डोर में आ जाए। अच्छी तरह इसको एब्जॉर्ब कर लेना, देखना ये देखिए बिल्कुल इजीली हमारी स्किन के अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो गई है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, मुझे तो इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। बाकी जो मेरे हाथों के मैं नेक के ऊपर अप्लाई कर लूँगी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।